करनाल से दो बार सांसद रहे एवं मौजूदा रोहतक के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा का जन्मदिन उनके समर्थक किशोर नागपाल एवं उनके चाहनों वालों द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सराफा बाजार एसोसिएशन की ओर से केक काटा गया एवं सांसद अरविंद शर्मा के लिए लंबी उम्र की कामना की गई। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने कहा कि डॉक्टर अरविंद शर्मा एक नेक दिल मिलनसार व्यक्ति हैं, जो सोनीपत रोहतक व दो बार करनाल से सांसद रह चुके हैं। उनके जन्मदिन पर करनाल के लोग उनको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। यह कार्यक्रम सराफा बाजार ज्वेलर्स पर आयोजित किया गया। इस मौके पर सराफा बाजार एसोसिएशन व पारमंडल गुड़मंडी एवं जैन सभा के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस मौके पर प्रदेश प्रवक्ता किशोर नागपाल, पुनीत बजाज, राकेश नागपाल, पूर्व चेयरमैन कुलियत मक्कड़ सहित शहर के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। आज हमारे जो दिलों की धड़कन है डॉक्टर अरविंद शर्मा जी एमपी, जिन्होंने करनाल की 10 साल सेवा की है, जो अब रोहतक के एमपी है, सभी व्यापारियों ने सराफा बाजार में मिलकर आज उनका जन्मदिन मनाया और भगवान से प्रार्थना की है उनको खूब तरक्की दे, ऐसे ही हो, चाहे वो करनाल में रहे हो, सोनीपत रहे हो, रोहतक, सभी हरियाणा की वो सेवा करते रहे और जन जन का वो कल्याण करते रहो। 36 बरादरी के नेता है, आज उनके जन्मदिन की सारे शहरवासियों की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, भगवान उनको बहुत तरक्की दे। हमारे भाई श्री अरविंद शर्मा जी का जन्मदिन है, जो कि हम यहाँ बड़े उत्साह के साथ और प्यार के साथ मना रहे हैं। मैं सराफा एसोसिएशन का प्रधान होते हुए अपनी तरफ से और अपने सारे साथियों की तरफ से, अपनी सराफा एसोसिएशन की तरफ से उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और वो इसी तरह तरक्की करती रहे और बीजेपी जो है आगे बढ़ती रहे, यही बहुत ही खुशी का मकाम है कि डॉक्टर अरविंद शर्मा जो 5 साल सोनीपत से विधायक अपना एमपी रहे, उसके बाद 10 साल हमारे करनाल के सांसद रहे, अब जो है प्रभु ने उनके ऊपर ऐसी अपार कृपा की है कि कांग्रेस के महान नेता चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा के लड़के दीपिंदर सिंह चौहान के जो जीत हासिल की है, इसने हमारे सोनीपत और करनाल शहर का नाम भी साथ में रोशन होता है। इतना बढ़िया इंसान आज तक यहाँ ना कोई आया है एमपी, ना ही आएगा। मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ इस सांसद अरविंद शर्मा का जो है इसको दीर्घायु दे, इसको तरक्की बरसे और हम मोदी जी से भी प्रार्थना करते हैं इतने नवयुग ईमानदार निष्ठावान सांसद को जो है इस बार जो है भारत सरकार में मंत्री का पद देना चाहिए और बहुत ही सुलझे हुए 36 बरादरी को साथ लेकर चलने वाले डॉक्टर अरविंद शर्मा यहाँ चौड़ावदार साफा और मार्केट के सभी व्यापारियों ने बहुत ही खुशी से जो है आज उनका जन्मदिन मनाया है। मैं पुनः सभी व्यापारियों को भी धन्यवाद देता हूँ और परमपिता परमात्मा करता हूँ कि डॉक्टर अरविंद शर्मा की दीर्घायु हो। डॉक्टर अरविंद शर्मा जी के जन्मदिन पर हम सब व्यापारियों ने जन्मदिन मनाया है और बड़ी खुशी भी है, सब व्यापारियों में बहुत खुशी है। मैं अपने पुरानी गुरुमंडी करनाल की ओर से शर्मा जी को बधाई देता हूँ और बड़ी खुशी सब में खुशी की लगे। आज डॉक्टर अरविंद शर्मा जी और रोहतक से एमपी हैं, उनका जन्मदिन है, उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। हमारे अजीज हैं, हमारे बच्चे हैं, करनाल में 10 साल एमपी रहे करनाल से और आज रोहतक से एमपी हैं। मैं उनको उनके जन्मदिन की मुबारकबाद देता हूँ और प्रभु से उनकी दीर्घ आयु की प्रार्थना करता हूँ। परमात्मा उनको सेवा का मौका बख्शता रहे और वो हिंदुस्तान की सेवा करते रहे, कौम की सेवा करते रहे, समाज की सेवा करते रहे। उनका जो भतीजा है, उनका जो रुझान है समाज सेवा का, वो बरकरार रखे परमात्मा और उनकी दीर्घ आयु की मैं प्रार्थना करता हूँ। हमारे डॉक्टर अरविंद शर्मा जो एम पी रोहतक से हैं, उनका आज जन्मदिन है। हम करनाल वासियों को 10 साल वो यहाँ एमपी हमारे रहे हैं, हमें उनका आज जन्मदिन मनाने में सराफा बाजार में बहुत खुशी हो रही है और वो एक ऐसे एमपी हैं, इतने हर दिल लजीज हंसमुख का एमपी हैं कि जिन्हें मेरे ख्याल में कोई आदमी नकार नहीं सकता, कोई आदमी उनको बुरा कह नहीं सकता। बहुत हर दिल लजीज, बहुत अच्छे, बड़े मिलनसार, सेवा भावी हमारे एमपी डॉक्टर अरविंद शर्मा। हमारी उनकी उम्र हजारों साल हो और हर साल के हजार साल हजार साल हजार दिन हो। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं
incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।